नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं रिश्तों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यह भाग दूसरा है, इससे पहले एक भाग में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर आप आसानी से उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सोनिया का परिचय देते हुए महेश कहते हैं कि मेरी माँ के ही भाई के ही भतीजे की पत्नी है। तो किस प्रकार सोनिया महेश से संबंधित है? दोस्तों, भाई के ही भतीजे या फिर आप भांजे भी बोल सकते हैं। क्या? भतीजे या भांजे, भाई के ही भांजे या भतीजी की पत्नी है। तो किस प्रकार सोनिया महेश से संबंधित है? देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, माँ यह हो जाएगा माँ का भाई, माँ के भाई का भतीजा या भांजा हो जाएगा स्वयं यानी कि महेश, महेश हो जाएगा भांजा। इसके बाद वो उसकी ही पत्नी है, यानी कि सोनिया जो है महेश की क्या लगी? पत्नी, सोनिया महेश की पत्नी लगी। जो किस प्रकार संबंध है, तो ऑप्शन ए सही है, यानी कि क्या? पत्नी ऑप्शन सही है। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की ही बेटी है। तो आदमी से संबंध औरत कैसे है, या उस औरत का संबंध आदमी से क्या है? यह औरत कौन लगी? क्वेश्चन ए बोलना चाहता है कि जो महिला है वह आदमी की क्या लगती है। तो आप देखें, उसकी माँ, ये कोई आदमी हो गया यहाँ पर, इसकी माँ और मेरी ही माँ की बेटी है, यानी कि मेरी ही माँ की बेटी है। तो इसकी माँ तो जे हो गई, और इसकी बेटी और इसका जो बेटा हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन सही आ रहा है कि इसकी जो माँ है वो मेरी ही माँ की बेटी है। तो किस प्रकार संबंध है माँ से, यानी कि जो आदमी यहाँ पर इशारा कर, जिस आदमी को इशारा किया जा रहा है वह उसका बेटा है, यानी कि वह महिला उस आदमी की माँ कहलाई। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुमित ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है, मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। तो सुमित लड़की से संबंधित बताइए। सबसे पहले आप यहाँ पर किसको ले लें? सुमित को। सुमित ने कहा कि ये लड़की है मेरी माँ की, तो सुमित की माँ यहाँ पर ऊपर आ जाएगी और यह सुमित हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि पौत्र की पत्नी है, इसके पौत्र की पत्नी हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि इसके पुत्र की पत्नी, इसका एक पुत्र है, कोई भी पुत्र की पत्नी यानी कि पुत्र की पत्नी हो गई, यह पौत्र हो गया। तो उस पत्नी से सुमित, उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों, जो सुमित है वो उस लड़की का क्या? ससुर लगेगा, यानी ससुर, डी ऑप्शन सही है। क्या लगेगा? ससुर लगेगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री मेरे रिश्ते में क्या लगेगी? मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री मेरी मेरे मे मेरा रिश्ता में क्या लगेगी, या मेरी क्या रिश्ते में लगेगी? तो दोस्तों देखिए, पिता की बहन, इसका पिता है यानी कि कोई ए है इसका पिता, और कि पिता की बहन हो जाएगी, यहाँ पर पिता की बहन हो जाएगी, क्या इसकी इसकी बुआ हो जाएगी, इसकी बुआ हो जाएगी,
और इसका एक लौते भाई की पत्नी है। इकलौते भाई की पत्नी मतलब मेरे पिता की बहन जो है, मतलब बुआ है इनके, इकलौते भाई यानी कि पिता पर वापस आ गया क्वेश्चन। क्या पिता पर वापस आ गया कि पत्नी की पुत्री मेरी क्या लगी, यानी कि इसके पिता की पत्नी है और पत्नी की बेटी भी है, तो बेटी इस आदमी की क्या लगी। तो दोस्तों इसका पिता भी यही है और इसका पिता भी यही है, तो दोनों ये भाई बहन संबंधित है। तो एक क्या किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा कि भाई बहन लगेगी इस आदमी की। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, श्याम का भाई राम है, श्याम का भाई राम है और राम का पिता महेश है, फिर प्रिया का भाई जगत है और श्याम की बेटी प्रिया है, तो जगत का चाचा कौन है। तो जगत का चाचा कौन है, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा ही प्रश्न है। श्याम का भाई सबसे पहले ऊपर से ही सॉल्व करते हैं, श्याम का भाई राम यानी कि श्याम और राम भाई भाई हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, राम का पिता महेश, राम का पिता महेश, तो यानी कि इन दोनों का पिता हो जाएगा कौन, महेश, एम मीस मनी महेश हो जाएगा। अब प्रिया का भाई जगत है, ठीक है ये पॉइंट अभी कहीं मैच नहीं हो रहा है, और श्याम की बेटी प्रिया है। श्याम की बेटी प्रिया है, ठीक है, श्याम कौन, जे श्याम, इसकी बेटी का नाम क्या है, प्रिया, श्याम की बेटी के नाम प्रिया है और प्रिया का भाई जगत है। तो मतलब इसकी जो श्याम है उसका, उसकी बेटी प्रिया है और बेटा का नाम जगत है, तो जगत के चाचा कौन होगा। तो जगत का चाचा कौन होगा, जो श्याम है, श्याम का भाई राम है, तो जय और राम हो जाएगा जगत का चाचा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आप दोस्तों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय माता दी।